एवरीवन, दिस इज पलक मालवीय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। एंड जिस प्रोडक्ट का आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूं वो है निविया का फेस मॉइस्चराइजर, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि विच इज द बेस्ट फेस क्रीम और मॉइस्चराइजर फॉर विंटर्स फॉर ड्राई स्किन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ वो है ये निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टिल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी कोई बेस्ट मॉइस्चराइजर बताएं जो कि विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए बेस्ट हो। बात करते हैं पैकेजिंग की, तो इस तरीके से ये आपको ट्यूब फॉर्म में मिल जाएगा एंड इस तरीके से आपको ये जार में भी मिलेगा और जार में भी आपको अलग अलग साइजेस में ही मिल जाएगा। तो मेरे पास ये दोनों ही इसमें है, ट्यूब में भी है और ये जार में भी है। तो सबसे पहले इसकी बात मैं करती हूँ प्राइस की, तो यहाँ पर प्राइस लिखा है इसका 110 रुपीज एंड इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आपके नॉर्मल से कोई भी ग्रोसरी शॉप पर भी मिल जाएगा, किसी भी आपको ये शॉप पे मिल जाएगा। तो 110 रुपीज इसका MRP है, बट आपको ऑफर डिस्काउंट ये मिल ही जाएगा। एंड जो इसकी क्वांटिटी वो है 75 ml है, आप लोग देख सकते हैं 75 ml इसकी क्वांटिटी है। एंड इसमें लिखा हुआ है विटामिन ई लाइट मॉइस्चराइजर, फ्रेश एंड सॉफ्ट स्किन, फास्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला, बहुत ही जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश रखेगा। एंड विटामिन ई इसमें है जो कि बहुत बेस्ट होता है विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए, आपकी स्किन को नरिश करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी रखता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बैक में देखूँ तो यहाँ पर इसकी शेल्फ लाइफ दी हुई है 18 2021, मीन्स इसकी जो शेल्फ लाइफ है 3 साल की इसकी शेल्फ लाइफ यहाँ दी हुई है। और पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निविया सॉफ्ट इज अ लाइट मॉइस्चराइजर फॉर एवरीडे यूज, द मॉइस्चराइजर विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल। इसमें जोजोबा ऑयल भी है जो कि बहुत बेस्ट होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल है, दिस इज वेरी बेस्ट फॉर यूर स्किन। तो मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत टाइम से इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके अप्लाई करके बताती हूँ। टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी क्रीमी है, आप लोग देख सकते हैं ये, तो इस तरीके से काफ़ी क्रीमी है और थिक भी है, मतलब बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। तो डॉट डॉट करके जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ इसे मैं अप्लाई करती हूँ एंड बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, साथ ही साथ बहुत हाइड्रेटिंग आपका फेस रखता है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं करता है। अगर आपकी भी स्किन ड्राई है तो ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है आपके लिए। बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसे यूज करती हूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई मुझे नहीं लगती है एंड आपके फेस पे ये हल्का सा ग्लो भी लेके आता है, स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है। बिकॉज इसमें विटामिन ई है और जोजोबा ऑयल है, विच इज वेरी बेस्ट फॉर योर स्किन। तो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है और नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो भी ये बेस्ट है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये सुपर बेस्ट मॉइस्चराइजर है। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत सुपर ऑयली है तो फिर मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी ये वाला मॉइस्चराइजर, बट विंटर्स में फिर भी आप थोड़ा सा इसका यूज कर सकते हैं। देखा आपने कितना क्विक क्विक एब्जॉर्ब हो गया स्किन में और बिल्कुल भी स्टिकी फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल भी नॉन स्टिक है ये और बिल्कुल चिपचिप नहीं करेगा, इजीली एब्जॉर्ब हो गया है और अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये मॉइस्चराइजर काफी पर्सनली बहुत पसंद है, ऑल टाइम माई फेवरेट मॉइस्चराइजर है, बिकॉज स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। तो अगर आपकी भी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल भी अगर आपकी स्किन है, कॉम्बिनेशन अगर आपकी स्किन है, तो बेस्ट मॉइस्चराइजर आपके लिए, आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो और रिव्यू आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करेगा तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम ID मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।